कोई नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल थी पहले, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं भी होली सेंट स्कूल करके थी जयनगर के अंदर, उधर जो स्कूल के अंदर पढ़ाया तो उधर ना कन्नड़ा कंपलसरी था ना उर्दू कंपलसरी था, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज थी। आते आते अभी हमने आते आते क्या है, कंपलसरी जो है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उर्दू कंपलसरी कर दी है। हमारी बहन MLC मैडम ने, बल्कि बानो ने कहा है कि उर्दू जो कंपलसरी, जो उर्दू जो कंपलसरी जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है वो प्राइवेट के अंदर भी लेके आना करके, हमारी बहन का जो ओपिनियन है वो सही ओपिनियन है। ऐसा सा नसीराम साहब ने भी वादा किया है, हम वो मिनिस्टर कंसल्ट मिनिस्टर जो है मधु बंगारप्पा साहब है बात करके, ये कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज जो है इसके अंदर है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर है जी, प्राइवेट में नहीं है, तो कंपलसरी लाने की हम लोग जद्दोजहद कोशिश करेंगे। और चेयरमैन साहब से भी आज गुजारिश करता हूँ, थोड़ा मेहरबानी करके जो उर्दू जो जबान होती है ना, मेरे ख्याल से बहुत से लैंग्वेज है जी, जो उर्दू के अंदर जो मिठास जो होती है और वो सुनने में जो मज़ा आता है ना, लखनऊ के अंदर जाके देख के वो सुनने को ही बहुत खुशी होती है। तो मैं भी आपसे एक मिनिस्टर के नाते नहीं, एक आम आदमी के नाते एक आजीजाना गुजारिश है, मेहरबानी करके मेरे को भी इधर उर्दू फ्लुएंट सिखाना करके, मैं आपसे आजीजाना गुजारिश करता हूँ। ऑलरेडी क्या होगा, 30 दिन के अंदर सीखना नामुमकिन सा, 30 दिन के अंदर मिराकल है। वो इंशाल्लाह मैं अगले महीने के अंदर कुछ तो करके मैं टाइम निकाल के रेगुलर 30 दिन क्लास अटेंड नहीं सकता था। मिनिस्टर के नाते आपसे एक मेरे को एक्सेम्प्शन ये देना कि 30 दिन कंटिन्यू नहीं आ सकता। जब जब मैं बेंगलुरु में रहता हूँ इंशाल्लाह इधर ही आके कॉमन स्टूडेंट के जैसा मैं भी उर्दू सीखने की जद्दोजहद कोशिश करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ। रेगुलर तो हम लोग नहीं आ सकते, लगातार 30 दिन में हम लोग लगातार नहीं आ सकते। बेंगलुरु में जब जब रहता हूँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करके उर्दू सीखने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह अगली बार आऊँगा तो फ्लुएंट उर्दू बात करने की आपके सामने की कोशिश करता हूँ, आपसे वादा करते हुए। जैसे चेयरमैन साहब ने बताया जो उर्दू अकेडमी का जो बजट जो है, पहले जो था सिद्धरामैया की पीरियड के अंदर 3 करोड़ रुपए दिया गया था, जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर, उसके पहले कभी भी 1 लाख रुपए दिया जाता था। ये 1977 से उर्दू अकेडमी का ये बनाया है, उस टाइम से लेके 1 लाख के ऊपर कभी बजट के अंदर पैसा नहीं दिया जाता था। जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसको 3 करोड़ रुपए कर दिए, दोबारा बाद में कोलिशन गवर्नमेंट और बीजेपी हुकूमत आने के बाद उन्होंने 1 करोड़ को लाके ठहरा कर दिया था। तो इस साल हमने क्या किया, चेयरमैन साहब लेट तो हमारी हुकूमत आके 6 महीने के बाद चेयरमैन बने, थोड़ा देरी हो गई उसमें चेयरमैन बनाने की वजह से, उस वजह से 1.5 करोड़ रुपए हमने इस साल दिया है। तो मई नसीर अहमद साहब ने ऑलरेडी डिस्कस करके बातचीत करके रखे हैं, अगली बजट के अंदर कम से कम 25 करोड़ तो नहीं होता, 10 से 15 करोड़ रुपए लेंगे बजट के अंदर करके हमने ये किए। इंशाल्लाह हम कोशिश करके 10 से 15 करोड़ रुपए हम लोग बजट के अंदर दिलाते करके वादा करते हुए, तमाम खाली सिर्फ ये चेयरमैन साहब की जवाबदारी नहीं होती, तमाम मेंबर्स की भी जवाबदारी होती है, खाली सिर्फ चेयरमैन से ही कुछ होने का नहीं है, तो मेंबर्स की भी जवाबदारी है। तो उनसे भी मेरे आजीजाना गुजारिश करते हुए, जैसा नसीर अहमद साहब बोले तालुक वार जाके एक प्रोग्राम करें तो एक अवेयरनेस आता है, तो तालुक वार जाके आप लोगों को प्रोग्राम करना, वो इंशाल्लाह बजट के अंदर हम लोग को बढ़ा के देते करके उम्मीद करते हुए, दोबारा जितने भी उर्दू 30 दिन के अंदर सीखे उनको मुबारकबाद देते हुए एक शायरी के साथ मेरी बात में ख़त्म करता हूँ। शायरी आती नहीं मुझे, मछली तड़प रही है नमक के खार से, मछली तड़प रही है नमक के खार से, जमीर तड़प रहा है आप लोगों के प्यार से, समझ गए ना, मछली तड़प, शायरी आती नहीं शायरी करने लगे, शायरी को खास समझकर अपने जैसे छपाने लगे, जो भी शायरी छोटी मोटी शायरी, ये कहते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।